जहां पंजाब में नई बनी सरकार की ओर से लोगों को सुविधाओं देने की बात की जा रही है, वहीं मानसा की नगर काउंसिल पर ताला लगाकर फायर ब्रिगेड मुलाजिमों की तरफ से कई दिनों से धरना दिया जा रहा है। नगर काउंसिल के कर्मचारियों की ओर से फायर ब्रिगेड मुलाजिमों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। नगर काउंसिल कर्मचारियों के आरोप हैं कि हमें जबरन और जुबानी फायर ब्रिगेड में से निकाल दिया गया, साथ ही कहा कि हमें आउटसोर्स पर रखा गया था और अपनी मर्जी के साथ ही हमें बेरोजगार कर दिया गया। साडे नगर कौंसल नाल कोई संबंध नहीं हैगा ते इन्हां ने तां करके भी सानू उसे अहुदे ते रखिया जावे धरना ला लिया। हाँ जी, जिवें तुहानू पता है कई दिनों तो असीं देख रहे हैं कि नगर कौंसल दे गेट दे अगे धरना लाई बैठे ने कर्मचारी ते लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। खुद असीं आप भी MSC सारे परेशान हो रहे हैं। लांघा जिहड़ा सीसड आवाजाई च बंद होई पई आ। इहदा मुख कारण की है कि इह जिहड़े मुलाजम सीगे नगर कौंसल ने देखो कम देना उहदा ठेकेदार नूं, ठेकेदार ने इन्हां ने अपने ठेके ते रखे हुए सी सारे कर्मचारी। देखो प्रधान साहब जो मर्जी कहे, जिहड़ा हैगा धरना साडा जायज धरना बणदा, नौजवानां नूं उहनां नौकरी तों उत्तों कढ़िया वा, फायर डिपायर की यह नौकरी कर रहे हैं। गे पहली गल तो इन्हों का उ इन्हों चाहिए भी इन्हों नौजवानों को इन्ना इन्हें तरस खाना सी प्रधान जी का भी इन्हों असी दोबारे तो मुड़ तो जमैंट करिए। 3 महीने लगातार पहला धरना रखा, 5वें दिन के हूँ धरना पा गया। इन्होंने जी सानू जबरी तो जवानी हुक्मों के फायर वेट के फारंग कर दिता सी, जिस दे रोस वजो पहला भी असी 45 दिन धरना लाया गा। प्रधान जी तो ईओ साहब नूं भी काफ़ी बार पहला धरना लाने तो मिल चुके थे। ये धरना क्यों नहीं चुकया रहा? ये तो जी वो जिहड़े बंदे नहीं चक रहे वो दसंगे क्यों नहीं चुकया रहा। पर साडे वल्लों जिहड़ी कावी सी असी माननीय DC साहब अर्बन डिवेलपमेंट जी दे ध्यान च लैती सी, जिस दिन साडा दफ्तर जबरदस्ती उन्होंने साडे जिहड़े कोई पहलां वाले आउटसोर्स एजेंसी राही कुछ साडे लेबर ले भी सी, असी वो लोगों ने लोगों नूं गुमराह करके किसान यूनियन भी ला लिया, मतलब धरना लाया गया जिसे बन गया।